2009, चाइना ने पहली बार यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी वेटो पावर का यूज करते हुए इंडिया की मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की मुहिम को ब्लॉक किया। 2016, 17, 19 और 2022 में भी अलग अलग पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट को चाइना ने बचाया। देखिए, चाइना और पाकिस्तान की क्लोज रिलेशनशिप के बारे में हमको पता ही है, लेकिन इसका मेन रीजन है चाइना के जिनजियांग रीजन के ईगर मुस्लिम्स एंड चाइना का उनके प्रति ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशंस। दोस्तों, अगर चाइना इन पाकिस्तानी टेररिस्ट को सेव ना करे तो ये सभी टेररिस्ट चाइना के खिलाफ ईगर मुस्लिम्स के लिए आवाज उठा सकते हैं। साथ ही आज के समय यूएन राइट्स काउंसिल के 47 मेंबर कंट्रीज में से 34 कंट्रीज चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं और चाइना इन देशों पर अपनी इकोनॉमिक लेवरेज का यूज करके अपने आप को ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी बचाता आया है।